हिमखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी रूट वर्ड्स के थ्रू। इसके लिए बेस है बुक व्हाट पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस। तो आज का हमारा सेशन है हाउ टू टॉक अबाउट वैरायटी ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट टू। ठीक है, तो इस सेशन का हमारा पहला वर्ड है शिवलस, जो कि बना है रूट वर्ड शिवल से, विच मीन्स हॉर्स यानी के घोड़ा। इसमें सफिक्स OUS ऐड हुआ है, विच मीन्स फुल ऑफ यानी के पूरी तरह से। फुल ऑफ याद है ना आप सबको, हमने जाना था। अगर नहीं है याद है तो इस सेशन का पार्ट वन एक बार रेफर कर ले, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम जानते हैं शिवलस का मीनिंग। इट मीन्स डिस्प्लेइंग रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द फीमेल सेक्स यानी महिला सदस्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना। इस वर्ड का नाउन वर्ड है शिवलरी। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। माई शिवलेस हस्बैंड ऑलवेज ओपन्स डोर फॉर मी, मेरे शिष्टता पति हमेशा मेरे लिए दरवाजा खोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वर्ड शिवलरी के बारे में। यह वर्ड भी बना है रूट वर्ड शिवल से, विच मीन्स हॉर्स यानी के घोड़ा। तो शिवलरी मीन्स कॉर्टियस बिहेवियर एस्पेशली दैट ऑफ अ मैन टूवर्ड्स विमेन यानी के विनम्र व्यवहार खासकर पुरुषों के द्वारा महिलाओं के प्रति। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो बॉयज हु ऑफर टू कैरी द गर्ल्स बुक टू क्लास वॉज अ डीड ऑफ शिवलरी। लड़की की पुस्तक को कक्षा में ले जाने का लड़के का प्रस्ताव विनम्रता से भरा था। फिर आता है वर्ड कैवलियर, जो कि नाउन वर्ड है। इस वर्ड का रूट वर्ड है शिवल, विच मीन्स हॉर्स। तो कैवलियर मीन्स अ फॉर्मल प्रोसेशन ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन हॉर्स बैक और राइडिंग इन व्हीकल्स यानी के पैदल या घोड़े पर या वाहनों में सवार लोगों का एक औपचारिक जुलूस। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सिटीजन लाइन द स्ट्रीट्स टू सी द प्रिंसेस कैवलकेड ऑन हिज वेडिंग डे। नागरिकों ने घुड़सवारों को देखने के लिए राजकुमार की शादी के दिन सड़कों पर लाइन लगाई। अब आता है वर्ड कैवलियर, जो कि बना है रूट वर्ड शिवल से, विच मीन्स हॉर्स। तो कैवलियर का मीनिंग होता है शोइंग हॉटी डिसरिगार्ड, अनमाइंडफुल ऑफ अदर्स फीलिंग यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं होती, दूसरों की भावनाओं के प्रति बेपरवाह होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आफ्टर द कैवलियर ट्रीटमेंट आई रिसीव्ड एट द शॉप आई वुड नेवर विश टू रिटर्न टू दैट शॉप अगेन यानी दुकान में मुझे मिले बेपरवाह व्यवहार से मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस दुकान में कभी वापस नहीं जाऊंगी। अब आता है नाउन वर्ड कैवलरी, जो कि बना है रूट वर्ड शिवल से ही, विच मीन्स हॉर्स। तो कैवलरी मीन्स सोल्जर्स इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ द आर्मी हु राइड्स हॉर्स इनटू बैटल यानी एक निश्चित भाग के सैनिक जो युद्ध में घोड़ों की सवारी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फोटोज कैन बी सीन ऑफ द ओल्ड वॉर बैटल्स विद सम ऑफ देम शोइंग द कैवलरी विद द सोल्जर्स माउंटेड प्रोमिनेंटली। तस्वीरों में पुराने युद्ध की लड़ाइयों को देखा जा सकता है, जिनमें से कुछ में सैनिकों को घोड़े सवार सेना के साथ दिखाया गया है। आता है वर्ड इनोक्यूस, ये बना है रूट वर्ड नोसियो से, विच मीन्स टू इंजर यानी कि घायल करना। इसमें नेगेटिव प्रेफिक्स IN है। जैसे कि हम जानते हैं, जब भी नेगेटिव प्रेफिक्स ऐड होता है तो वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है और इसमें सफिक्स OUS भी एडेड है। क्लियर है? तो इन सबसे बने वर्ड इनोक्यूस का मीनिंग होता है नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, नॉट एबल और लाइकली टू कॉज हार्म यानी कि जो हानिकारक या आक्रामक नहीं होते हैं या ऐसा जो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बिकॉज द वायरस वॉज इनोक्यूस द हॉस्पिटल स्टाफ हैड नो नीड टू वरी अबाउट द लीक। क्योंकि वायरस हानिकारक था इसीलिए अस्पताल के कर्मचारियों को उसके फैल जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट आता है वर्ड इनोसेंट, जो कि बना है रूट वर्ड नोसियो से, विच मीन्स टू इंजर यानी के घायल करना। इसमें भी प्रेफिक्स IN ऐड हुआ है। तो इनोसेंट मीन्स नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग और हार्मलेस यानी के किसी अपराध या अधर्म का दोषी ना होना या हानिकारक भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। थैंकफुली
The judge took the new evidence into consideration and released the innocent man. शुक्र है कि जज ने नए सबूतों को ध्यान में रखा और निर्दोष व्यक्ति को रिहा कर दिया। आता है word noxious, जो कि बना है root word nocio से, which means to injure, यानी घायल करना। इसमें suffix ous add हुआ है, which means full of, यानी कि पूरी तरह से। तो noxious means causing, likely to cause और capable or causing harm or injury, यानी कि होने की संभावना या घायल कर पाने में सक्षम होना या नुकसान पहुंचाना, चोट देना। एग्जाम्पल के तौर पे, यू कैन अवॉइड गेटिंग सिक सो ऑफन बाय फ्रीक्वेंटली वॉशिंग योर हैंड्स टू एलिमिनेट नॉक्सियस बैक्टीरिया एंड वायरसेस। आप अक्सर जर्म्स को खत्म करने के लिए बार बार हाथ धोने से बीमार होने से बच सकते हैं। लाइफ बॉय की एड सपने देखी होगी ना, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ और घायल होने से बचते जाओ। अब आता है वर्ड बिब्यूलस, जो कि बना है रूट वर्ड बीबो से, विच मीन्स टू ड्रिंक, यानी के पीना। इसमें सफिक्स ous है, विच मीन्स फुल ऑफ, यानी के पूरी तरह से। तो बिब्यूलस मीन्स हैविंग द एबिलिटी और टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब, रिलेटेड टू एल्कोहल कंजम्पशन, यानी शराब के सेवन से संबंधित जो ज्यादा पीते हो। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे, द बिबुलस यंग मैन फ्लिम्ड आउट ऑफ द कॉलेज बिकॉज ही वाज ऑलवेज टू ड्रंक टू अटेंड द क्लास। वह युवक कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि वह हमेशा क्लास में दारू के नशे की वजह से ही जाना जाता था। अब आता है वर्ड इम्बाइब, जो कि बना है रूट वर्ड बीबो से ही, विच मीन्स टू ड्रिंक, यानी के पीने के लिए। इसमें प्रेफिक्स im im है, विच मीन्स इनसाइड और विदिन, यानी भीतर। तो imbibe means to consume a liquid, to learn or understand something, यानी लिक्विड का सेवन करना या कुछ सीखना या समझना। एग्जाम्पल के तौर पे, a well-planned garden ensures that all plants are located where they can have maximum opportunities to imbibe water, nutrients and sunshine. एक अच्छे से प्लान किए हुए गार्डन में ये सुनिश्चित किया गया है कि सारे पेड़ ऐसी जगह पे रखे गए जहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी, पोषक तत्व और धूप मिलती रहे। आता है वर्ड बिब, जो कि बना है रूट वर्ड बीबो से ही, विच मीन्स टू ड्रिंक। तो बिब मीन्स अ पीस ऑफ क्लोथ और प्लास्टिक फिटेड अराउंड द नेक ऑफ अ पर्सन टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग ऑन देयर क्लोथ्स व्हाइल दे ईट। टिपिकली यूज फॉर बेबीज, आमतौर पर बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक कपड़ा या प्लास्टिक का टुकड़ा, जो कि गर्दन में लगाया जाता है ताकि जब वो खा रहे हो तब खाना कपड़ों पे ना गिरे। अब आता है वर्ड कैडेवरस, जो कि बना है रूट वर्ड कैडो से, विच मीन्स टू फॉल, यानी गिरना। इसमें सफिक्स ous एड हुआ है, विच मीन्स फुल ऑफ। तो इस वर्ड का मीनिंग होता है similar in appearance to a corpse, pale and skinny, very thin or bony in physique, यानी शव के समान दिखने वाला या पीला और पतला, फिजिक में बहुत पतला या बोना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, the cadaverous woman was so skinny it looked as though she hadn't eaten in weeks, वह महिला इतनी पतली थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने हफ्तों से खाना ही नहीं खाया है। वर्ड कैडेवर, जो कि बना है रूट वर्ड कैडो से ही, विच मीन्स टू फॉल, यानी गिरना। तो कैडेवर मीन्स अ लाइफलेस बॉडी दैट इज यूज्ड फॉर रिसर्च, यानी एक निर्जीव शरीर जिसका अनुसाधन के लिए उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, इन मेडिकल स्कूल ईच स्टूडेंट गेट्स हिज ओन कैडेवर ऑन विच दे प्रैक्टिस। मेडिकल स्कूल में प्रत्येक छात्रों को निर्जीव शरीर मिलता है जिस पर उनके द्वारा अभ्यास किया जाता है। आता है वर्ड डिकेडेंट, ये भी बना है रूट वर्ड कैडो से ही। इसमें प्रेफिक्स डी है, विच मीन्स डाउन, यानी नीचे। तो इस वर्ड का मीनिंग होता है कैरेक्टराइज्ड बाय और रिफ्लेक्टिंग अ स्टेट ऑफ मॉरल और कल्चरल डिक्लाइन, करप्ट और डिग्रेडेड, यानी नैतिक या सांस्कृतिक गिरावट की स्थिति को दर्शाता या प्रतिबिंबित कराता है। इसे भ्रष्ट या अपमानित भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, वंस द डिकेडेंट पॉलिटिशियन वाज फाइनली कॉट इन अ स्कैंडलियस अफेयर ही वाज हैविंग, ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम ऑफिस।
एक बार जब वो भ्रष्ट राजनेता आखिरकार उस घिनौने प्रकरण में फंस गए और उसी कारण उन्हें ऑफिस से बर्खास्त कर दिया गया। आता है वर्ड डॉलोरियस, जो कि बना है रूट वर्ड डॉलियो से, विच मीन्स टू सफर और ग्रीव, जिसे भुगतान या शोक कह सकते हैं। इसमें सफिक्स ous एडेड है, तो डॉलोरियस मीन्स एक्सपीरियंसिंग और डिस्प्लेइंग सैडनेस और पेन, यानी दुख और दर्द का अनुभव होना या दुख या दर्द को प्रकट करना। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तो डॉलोरियस फिल्म मेड मी रिकॉल सैड टाइम्स, उस दर्द भरी फिल्म ने मुझे मेरे दुख भरे समय को याद दिलाया। आता है वर्ड डॉलर, जो कि बना है रूट वर्ड डॉलियो से ही, विच मीन्स टू सफर और ग्रीव, तो डॉलर मीन्स सोरो, ग्रीव, माइजरी और एंग्यूश, यानी दुख, शोक या पीड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे, अवेकनिंग टू द साउंड्स ऑफ हिज मदर्स डॉलर, द लिटिल बॉय वंडर्ड व्हाई शी वाज सो डिस्ट्रेस्ड। अपनी माँ की दुख से भरी आवाज सुनकर उठ जाने वाला बालक सोचता था कि उसकी माँ इतनी व्यथित, चिंतित क्यों है। डॉल फिल्म, जो कि बना है रूट वर्ड डॉलियो से ही, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है फिल्ड विद सैडनेस और ग्रीफ, वेरी सैड यानी दुख या शोक से भरा या काफी दुख की बात होना। एग्जाम्पल के तौर पे, द चाइल्ड हैड अ डॉलफुल लुक ऑन हिज फेस व्हेन ही लर्नड सांता क्लॉज वाज नॉट रियल। जब बच्चे को पता चला कि सांता क्लॉज असली नहीं होते हैं, तो उसकी शक्ल दुख से भर गई, बच्चे का चेहरा उतर गया। आता है वर्ड कॉन्डोल, जो कि बना है रूट वर्ड डॉलियो से ही। इसमें प्रीफिक्स कॉन, con, कॉन है, विच मीन्स विथ और टुगेदर, यानी साथ में। तो कॉन्डोल मीन्स टू प्रोवाइड रीअश्योरेंस टू समवन हु इज सैड, यानी जब कोई दुखी है तो उन्हें सहानुभूति देना। इस वर्ड का नाम होता है कॉन्डोलेंस। एग्जाम्पल के तौर पे, कैट रोट टू कॉन्डोल विथ हर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हर मदर। कैट ने अपने माँ की मौत पर अपने दोस्तों के साथ शोक व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द लिखे। हमारा आज का सेशन हाउ टू टॉक अबाउट वैरायटी ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 2, इसका पार्ट 1 भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहे। तो अब हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।